औरतें असली काम पे लगी हुई हैं। फ्रेंड्स वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज का जो ब्लॉग है मेरा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर हाउसवाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउसवाइफ क्या, हर घर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम हाउसवाइफ को क्या होता है कि हमें हमारा सब कुछ साफ़ सुथरा चाहिए होता है, जैसे कि हमारा किचन हो गया, हमारा बाथरूम हो गया। तो आज इसी से रिलेटेड एक वीडियो है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर बताऊंगी, जिसके बारे में बाथरूम का वीडियो, बाथरूम के बारे में बताऊंगी मैं आप लोगों को कि अपने बाथरूम को कैसे साफ़ सुथरा रखें, कैसे सही रखें, मैं क्या करती हूँ अपने बाथरूम को साफ़ करने के लिए। तो मैं आज ये सब चीज़ें आपको अपने साथ दिखाने वाली हूँ, और बहुत कम बजट की चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है कि आपके बहुत पैसे लग जाएंगे साफ़ सफ़ाई करने में। कभी कभी तो क्या होता है कि जैसे बहुत सारे आप यूट्यूब पे वीडियोस देखेंगे तो उसमें बेकिंग पाउडर और विनेगर या फिर जो भी, कभी कभी क्या होता है, मुझे तो, मैं सही बताऊँ, मुझे लगता है कि यार कौन बनाए बैठ के अब, तो उससे कौन साफ़ करे। और मुझे नहीं लगता कि बहुत क्लीन डीप क्लीनिंग होती है उससे, ऐसा मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैंने एक बार ट्राई किया है। और मेरे यहाँ का, जहाँ पे मैं रहती हूँ, मेरे यहाँ का बाथरूम जो है ना पूरा वाइट है। तो मैं आपको दिखाती हूँ मैं इसकी सफाई कैसे रखती हूँ और कैसे ये मेरा साफ सुथरा रहता है, चमकता रहता है। चलिए शुरू करते हैं। आप गंदगी भी देख सकते हैं, अभी मैंने साफ सफाई नहीं की है। आप देखिए ये सब मेरा बाथरूम अभी काफ़ी अभी गंदा हुआ पड़ा है। तो मैं आपको ये सब डीप क्लीनिंग कर रही, डीप क्लीनिंग भी नहीं है, बहुत फटाफट होने वाली चीज़ें हैं, जिससे कि आपको बहुत मेहनत भी नहीं लगेगी और आपका बाथरूम हमेशा चमकता और साफ रहेगा। तो मैं आप सबको आज ये दिखाने वाला हूँ कि आपको आपके बाथरूम में भी क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो होगी, और आप कैसे साफ सफाई रखें। चलिए शुरू करते हैं। पहले सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि दो चीज़ें हम यूज़ करते हैं, एक तो हार्पिक, जैसे कि टॉयलेट और ये जो हमारा बेसिन है उसको साफ करते हैं, और फ्लोर भी हम इसे साफ करते हैं। और ये है एसिड, जो कि आराम से हमें, देखिए हार्पिक तो सबके यहाँ रहता है, सब लोग आजकल यूज़ करते हैं, तो इसको सब लोग अफोर्ड कर ही सकते हैं। और दूसरी चीज़ है ये एसिड। तो एसिड से क्या होती है कि जो भी चीज़ें कहीं पे, अगर जो हमारा हार्ड वाटर होता है उसके स्टेन हटाने के लिए ये बहुत यूज़फुल होता है। जैसे कि आप इस मग में देख सकते हैं, पीले पीले पड़ गए ना अभी, तो इससे मैं अगर थोड़ा सा भी डाल दूँगी बहुत फटाफट उतर जाएगा, बिल्कुल आपको रगड़ने वगड़ने की ज़रूरत नहीं है। इसको बहुत ही सही चीज़ है ये, 10 से 20 रुपये की मिल जाती है ये हर जगह, तो आप आराम से इसको साफ़ कर सकते हैं। चलिए पहले क्लीनिंग शुरू करते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने अभी का बाथरूम देख लिया, और मैं आपको अभी क्लीन करके दिखाती हूँ। थोड़ा थोड़ा मैं ये ऐसे डाल के भी छोड़ दूंगी इसमें, हल्का सा छोड़ना भी नहीं है, मतलब तब तक मैं ये सब साफ कर लूँगी। मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे फिर मैं बाथरूम की सफाई करती हूँ। इसके लिए मैंने एक और चीज़ में दिखाती हूँ, इसके लिए मैंने ये रख रखा है, ये हार्पिक का जो है ये टाइल्स के लिए, इसके लिए होता है। वैसे मैं ये सब ना बहुत वेसिंग पे बहुत यूज़फुल नहीं होता है, यूज़फुल ज़्यादा होता है इस वाले पोर्शन पे जो हमारे ये सारा वाइट पेट है। चलिए पहले सफाई शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये मैं बस इसको रखूँगी, और ये मैंने, हम लोगों ने प्लास्टिक का लगवा लिया क्योंकि यहाँ का पानी बहुत हार्ड है, तो बिल्कुल ख़राब हो जाते थे स्टील के नल। जैसे कि मैं आपको दिखा दूँगी, एग्जांपल दिखा दूँगी, यहाँ पे देखिए ये सब काले काले पड़ गए हैं, तो आप कितना भी साफ कर लेंगे यहाँ के पानी से काले पड़ जाते हैं, यहाँ का पानी थोड़ा खराब है। यहाँ कहाँ, हमारे यहाँ हॉस्टल का, सब जगह आ रहा है। मैंने ये बहुत सारे लोग यहाँ अच्छी चीज़ें भी आती हैं। और ये देखिए, ये जो है हमारा बर्तन धुलने वाला, ये जब बर्तन में खराब हो जाता है, कम हो जाता है, तो मैं इसको बाथरूम के निकाल देती हूँ, तो बच गए ना पैसे यहाँ पे। तो चलिए तुम्हारे औजार हैं, इससे डीप क्लीनिंग होती है। जो भी थोड़ी जैसे ब्रश है हमने हाथ के लिए लिया, जो जो जहाँ पे हाथ नहीं पहुँच पा रहा, मतलब ये नहीं पहुँच पा रहा था, उस जगह के लिए ब्रश है। तो आराम से ये सब जो चीज़ है, ये हो गया फटाफट, मुझे लगता है 2 मिनट भी नहीं लगे होंगे, फटाफट हमारा ये जो है बेसिंग जो है साफ हो गया। मैं दूसरी बात आपको बता दूं कि बाथरूम का थोड़ा साफ रखने का तरीका ये भी होता है कि आपने जैसे साफ तो कर दिया, लेकिन उसके बाद आप जब भी बाथरूम में, ये नहाने, हर रोज आप नहाने आते हैं, हाँ नहाने आते हैं, तो जैसे मैं क्या करती हूँ कि मैं हाथों से ही ऐसे ही, अगर मुझे थोड़ी सी मिट्टी दिख गई, जो कि यहाँ पे खिड़की है तो मिट्टी आ जाती है, तो अगर मिट्टी दिख गई तो फिर मैं ऐसे पानी चलाती हूँ और हाथों से बस इसको ऐसे साफ कर देती हूँ, तो बस थोड़ा हमारा जो बेसिन है वो साफ रहता है। देखिए मैंने मग साफ कर दिया, मैंने क्या किया था कि बस ये कप में मैंने डाल लिया है एसिड, और ये पता है ये एसिड जो है ना बहुत तेज वाला एसिड नहीं है, हल्का है, जिससे कि बस छोटी मोटी चीज़ें साफ हो जाती हैं, बहुत हार्ड नहीं है, जिससे कि आप ग्लव्स नहीं भी लगाएंगे तो भी चल जाएगा। मैंने ग्लव्स नहीं लगाए, वो हो गया, तो बस इसको कप में ब्रश को ऐसे करते हैं, और जहाँ जहाँ स्टेन्स हैं वहाँ वहाँ ऐसे ऐसे कर देंगे। इसको भी साफ कर देते क्या,
मुझे पता ही नहीं था। बस देखो यही होता है नेक्स्ट, तो बस नहा लेंगे, अपना काम कर लेंगे, काम खत्म। कैसे साफ सफाई कैसे हो रही है, कोई मतलब नहीं है। हम लोग बड़े चीजों को ध्यान देते हैं। अच्छा तो बस ये देखिए, बस ऐसे रगड़ दिया मैंने और बहुत जल्दी से फटाफट साफ हो गया। ये देखिए मैंने आपको दिखाए थे स्टेंस मग पे, बिल्कुल साफ सुथरे हो चुके हैं। आप अपने घर की चीजों को भी देखने की जरूरत नहीं है, बहुत आसानी से आप साफ कर सकते हैं। तो अब चलिए बाथरूम की मैं सफाई करती हूँ। और जो ये ऐसे टाइप बचे हुए हैं, तो जहाँ कोने कोने में जहाँ पे हार्ड स्टेंस हो गए हैं, मैं वहाँ पे इससे उसकी सफाई करूँगी। तो ब्रश मैंने रखा हुआ है, चलिए शुरू करते हैं। ये जो है ये हम डालेंगे इस पर। अभी देखिए बस कुछ ही देर में आपको बाथरूम जो है लगाना चमकता हुआ दिखेगा। वैसे बिल्कुल चमकता है, आजकल तो क्या है कि आजकल डंडे वाला भी आ रहा है स्क्रबर जो है बाथरूम के लिए, जो कि मुझे लेना, मैंने लिया नहीं, से गिराती हूँ पैर को डंडा बनाती बस ये हो गया फटाफट, ये हो गया फटाफट साफ। I'm sorry। और देखिए जो कोने में अभी स्टेन है ना, मैं आपको दिखाती हूँ। मैं ये मैंने ऐसे ऐसे रख रखा था, बस इसको लूँगी। बस ये देखिए जितने आपके काले काले हैं सब वाइट ऐसे हो जाएंगे। और देखिए जैसे आपका टॉयलेट है, तो टॉयलेट का जो ये वाला कॉर्नर होता है, ये वाला आप देखते हैं ना, ये वाला यहाँ पे भी एसिड की जरूरत हमें पड़ जाती है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि इससे तो साफ हो नहीं पाएगा। तो ये हमें ब्रश के थ्रू और यही एसिड के थ्रू हमें साफ करना होता है। अभी मैं पहले ये क्या करती हूँ कि पहले मैं इसको पूरा हार्पिक से साफ कर लूँगी, फिर जहाँ जहाँ कोने में स्टेन्स पड़े हुए हैं मैं वहाँ की सफाई करूँगी। तो अभी मुझे लगता है कि 10 मिनट हुए होंगे बाथरूम में शायद। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है साफ लग रहा है, चलिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है हमें कॉर्नर में होती है, क्योंकि कॉर्नर में वो हार्ड वाटर हो या ना हो पानी जमा होता है, वो गीलापन हो ही जाता है। बड़ी प्रॉब्लम जो है हमारे ये कॉर्नर की होती है जहाँ से पानी जाता है। तो ये देखिए ये यहाँ पे पानी हार्ड वाटर हो या ना हो यहाँ पे गीलापन हो ही जाता है। तो आप ये देख सकते हैं ये हार्पिक्स तो अभी यहाँ का ही दिया साफ हो गया, और बाकी जो आपको ये अभी काले काले दिख रहे हैं ये मैं अभी आपको एसिड से साफ करके दिखाती हूँ। साफ लग रहा है काफी। अब मैं फिर से गंदगी कर सकता हूँ। अच्छा। एक दो दिन तो भी बोला जाता है साफ रखने वाला, साफ रखते हैं करते पूरी मदद करते हैं हम आयुक दोनों। अंदर आके दिखाते हैं कॉर्नर यहाँ पे, अभी बस ये जो यहाँ वाले स्टेन्स हैं बस उसको साफ करने, बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं अब बिल्कुल अच्छे से साफ हो चुका है। ये सब? हाँ ये सब मैंने बोला ना, ये जो रेड वाला है ना उससे साफ हो आराम से, क्योंकि ऊपर तो बहुत ज़्यादा हार्ड स्टेन्स तो है नहीं, तो आराम से साफ हो जाएंगे। इंडिया के फेमस यूट्यूबर, ओहो अपने असली काम पे लगी हुई है। ये देखिए इनका एक्सपीरियंस है इसमें 10 साल का। इतनी खूबसूरत लड़की को लोग टॉयलेट साफ करवाते हैं। मैं थोड़ी कहा तुम्हें करती हूँ, देखो असलियत। ये देखिए ध्यान से देखिए, ये लड़की जो रील्स बनाती है इसकी असलियत देखिए आज। इसकी असलियत देख लो। ओहो अपना काम आत्मनिर्भर बने, मोदी जी ने कहा है ना आत्मनिर्भर बने, अपना काम स्वयं करें, तो इसलिए मैं तो ये देखिए ये जो ये वाला मैंने बोला था ना, इसको मैं ऐसे से छुड़ाऊं, देखिए यहाँ से कितनी गंदगी निकली है। बस इसको ऐसे डुबोते हैं और ऐसे साफ करते हैं, और जो कुछ कुछ इस पर भी स्टेंस पड़ जाते हैं तो मैं इसको भी साफ कर देती हूँ ऐसे। तो ये देखिए हमारा बाथरूम जो है ऑलमोस्ट साफ हो चुका है। किसी को अगर बुलवाना हो सफाई की इनको कांटेक्ट करें। बिल्कुल भी नहीं, खुद से करें। खुद से करें। ये वीडियो इसलिए बन रही था कि आप खुद से अपने बाथरूम की सफाई करें। सबसे पहले ये अगर अगर ऐसा है कि इनकी हॉबी है, अगर अगर ऐसा है कि सबसे पहले तो सबसे पहले आपको करना चाहिए। क्या
तो मैं तुमको हर तुमको बुलाया ना पता चल रही है मुझे क्या मिलेगा शादी करने का एक रीजन ये भी था तुम्हारा शौक था ये तुम बताते हो तुम्हारा शौक है ये अच्छा ये देखिए जो भी उठ गए हैं इनके साथ वीडियो बन रहा है क्या बाबू स्माइल करो कुछ नहीं कुछ नहीं करेंगे हीरो चलो तो फ्रेंड्स अब मैं इसके बारे में और ये जो है इसे हम क्या करेंगे ना पूरे दीवार पे ऐसे फैला देंगे हर जगह तो ये देखिए ये जो है कुछ इस तरीके से इसमें ना इसलिए बहुत अच्छा है इसमें झाग बनने भी शुरू हो जाते हैं और हम बहुत अच्छे से इसकी सफाई और देखिए मैंने ध्यान नहीं दिया यहाँ पे भी येलो स्टेन्स पड़े हुए हैं ना आप आराम से भाई एसिड के थ्रू इसको साफ कर सकते हैं बाथरूम के पानी को रोक के रखता है मतलब ये भी तो बता दो चप्पलों का राज क्रॉस नहीं करता दो चप्पल इधर दो चप्पल उधर हाँ दो चप्पल के राज मैं आपको किस बारे में बताऊंगी अभी नहीं क्यों ऐसा बहुत बड़ा राज है क्या बहुत बड़ा राज है दो चप्पलों का राज मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगी अभी तो ये हो गया मेरा ये देखिए और ये मेरा साफ सुथरा चमचमाता बाथरूम देख लीजिए जितने कॉर्नर्स है ना मैंने इसको वाइट वाइट आपको दिख रहे होंगे सब मैंने एसिड से साफ किया हुआ है और वाइपर मारने के बाद कुछ ऐसा दिखता है तो ये मेरा बाथरूम पूरा साफ सुथरा बाथरूम देखिए फाइनली इतनी मेहनत के बाद ये होता हुआ मेरा टॉयलेट का ये देखिए इसको हम बहुत डीप क्लीनिंग तो नहीं बोल सकते ये मेरा हमेशा का ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो बना रही हूँ इसलिए मैं साफ़ कर रही हूँ ये मेरा हमेशा का है मैं हर हफ्ते इसको साफ करती हूँ इसी तरीके से एसिड से और हार्पिक से मैं इसी तरीके से साफ़ करती हूँ इससे क्या होता है कि आपका बाथरूम बहुत गंदा भी नहीं रहता है और आपको साफ़ करने में भी आसानी रहती है इसका फ़ायदा ये है तो और आपको बाथरूम साफ रखने का एक और तरीका ये है कि आप जब भी जाइए तब अगर आप पानी गिरा रहे हैं तो वाइपर मार दीजिए अगर आपको कभी भी गंदगी दिखे वाइपर आजकल सबके बाथरूम में रहता है तो वाइपर से अपने बाथरूम को साफ़ रखिए और बाथरूम सूखा रखेंगे तो पैरों के निशान भी नहीं पड़ेंगे ये सबसे मेन पॉइंट है कि आपका बाथरूम जितना सूखा रहेगा अगर आपके पैर गंदे भी हैं क्योंकि अगर हम नंगे पैर चल ही जाते हैं तो हमारे टाइल्स पे पैरों के निशान पड़ते हैं तो अगर आपके आपका बाथरूम सूखा रहेगा ना तो बिल्कुल भी पैरों के निशान नहीं पड़ेंगे आप आराम से नंगे पैर जाना है नंगे पैर जाइए वैसे तो हम लोगों ने स्लीपर रखे हुए हैं जो अभी यूके पापा बोलते हैं कि दो चप्पलों के राज बताओ तो ये मैंने स्लीपर यहाँ पे इसलिए रखे हुए मैं आपको दिखाती हूँ देखिए आप नीचे यहाँ पे आप स्लीपर देख रहे होंगे एक यूके पापा का है और एक मेरा है स्लीपर तो ये स्लीपर इसीलिए हैं क्योंकि जब हम लोग टॉयलेट में और ये चप्पल कहीं ये जो हमारे स्लीपर हैं कहीं बाहर नहीं जाते ये हम लोग बाहर नहीं यूज़ करते ये बस टॉयलेट्स के लिए है तो टॉयलेट इससे साफ़ सुथरा भी रहते हैं तो आप लोग भी तरीके आजमाइए क्योंकि चप्पल तो हम जैसे हमारी जो ख़राब चप्पलें होती हैं हम उसको फेंक देते हैं थोड़ी सी ख़राब हुई फेंक देते तो इसको बस टॉयलेट के लिए आप यूज़ कर लीजिए जब टॉयलेट जाइए वो भी नहाते समय तो हम लोग स्लीपर वगैरह नहीं यूज़ करते जब टॉयलेट जाते हैं वॉशरूम ब्रश करना होता है उसके लिए हम लोग स्लीपर यूज़ करते हैं तो बस इनफ है आपकी बाथरूम की सफाई के लिए और आगे भी वीडियो मैं सिलेट बनाऊंगी आपको बताऊंगी और जुड़े रहिएगा मेरे वीडियो से तब तक के लिए हम आपको बाय बाय करते हैं वो तो तुम फिर से छोड़ने के चक्कर में हो क्या इसकी एक आंखें ऐसी हो गई यू की एक आंखें देखिए यू की एक आंख जो है ना ये बिल्कुल ऐसे खींच गई तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक यू